हाय गाइज, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी। तो गाइज, अगर आप यहां पे सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड करें टारगेट लर्निंग 5 ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। वहां पे आपको सिस्टमेटिक फॉर्म में कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, जहां पे आपको शॉर्ट्स वीडियो मिलेंगी, आपको लाइव क्लासेस दी जाएंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए जाएंगे। तो आप अगर सिस्टमेटिक वे में पढ़ना चाहते हैं तो आज ही आप गूगल प्ले स्टोर से टारगेट लर्निंग 5 ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग में मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसमें एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे क्या करना होता है, जैसा आपको मेथड दिया है सॉल्व करने का, थोड़ा सा उस मेथड से आपको सॉल्व नहीं करना है, चेंज किया है, ट्विस्ट किया है, इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताया जाता है कि इस प्लस का मीनिंग एक्चुअली प्लस नहीं है, इस माइनस का मीनिंग एक्चुअली माइनस नहीं है, इस इनटू का मीनिंग एक्चुअली इनटू नहीं है, एंड इस डिवाइड का मीनिंग एक्चुअली में डिवाइड नहीं है। वो कैसे पता लगेगा आपको, आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं इनको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, प्लस का मतलब क्या है, डिवाइड, तो क्या कर देंगे प्लस की जगह डिवाइड। माइनस का मतलब क्या है, इनटू, तो माइनस की जगह इनटू, इनटू की जगह, अब ये इनटू है, इनटू की जगह क्या करेंगे प्लस, बोला है आपको साफ साफ क्या करना है, और डिवाइड की जगह क्या है माइनस। अब आपने इनके मीनिंग यहां पे लिख दिए और जो नंबर है उनको एज इट इज लिख दीजिए। आप क्या करेंगे, जैसा आप बॉट मास में करते हुए हैं, वी बॉट मास, राइट। अब क्या करेंगे, नॉर्मली सॉल्व करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। आपके पास एक फॉर्म मिल चुकी है आपको, आपने साइन चेंज कर लिए हैं, जैसा आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया आपने वैसा सब कर दिया है, सीधे वी वॉट मास लगाइए और आंसर निकालिए, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए 40, देखिए डिवाइड इनटू प्लस माइनस, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास चीजें अवेलेबल हैं उनमें क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करेंगे। तो 45 डिवाइड बाय 9, 9 5 जा 45, फिर इनटू में 3, फिर प्लस 15 माइनस 2। अब क्या करेंगे, इनटू करेंगे, 5 3 जा 15, प्लस 15 माइनस 2, ऐड कर दीजिए 15 15 30, माइनस 2 यानी कि 28। ये आपका आंसर है। अब जो भी ऑप्शन दिए उसमें अपना आंसर मैच करा लीजिए, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, अब सेकंड वाले क्वेश्चन की यहां पे बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इफ पी डिनोट्स इनटू टी माइनस एम प्लस एन टी, एक सेकंड, एक चीज छोड़ दिए, सॉरी, पी डिनोट्स इनटू टी डिनोट्स माइनस एम डिनोट प्लस एंड बी डिनोट्स डिवाइड, देन इस एक्सप्रेशन की आपको वैल्यू निकालनी है। तो जैसा आपको क्वेश्चन में बोला गया है वैसा वैसा आपको फॉलो करना है और फाइनली आंसर निकाल देना है, किसके थ्रू, वी वॉट मास के थ्रू, किसके थ्रू, वी वॉट मास के थ्रू। अब क्या करेंगे, देखो 12 पी कहां है, पी यहां पे है, तो इनटू 6, एम कहां है, एम यहां है, एम कहां, एम यहां, ठीक हो गया। उसके बाद 15 को ऐसे लिख दीजिए, फिर टी, टी भाई साहब कहां है, टी भाई साहब यहां है, माइनस लगा दिया। उसके बाद 16 एज इट इज रहेगा। अब बी कहां है, बी यहां है, तो डिवाइड, एंड लास्ट में 4। अब इसको सॉल्व करेंगे किसके थ्रू, वी वॉट मास के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे और आंसर निकाल देंगे। तो इनटू और डिवाइड कहां पे, लास्ट में, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। हालांकि इसमें एक शॉर्टकट भी हम मार सकते हैं, कैसे मार सकते हैं, डिवाइड दूर है, इनटू दूर है, अगर ये दूर दूर हो तो आप एक साथ भी कर सकते हो। अगर ये एक साथ ही होते, जैसे इनटू के बगल में डिवाइड होता या डिवाइड के बगल में इनटू होता, तो हम ऐसा नहीं करते, दोनों दूर दूर हैं एक साथ कर लेंगे। 12 6 जा 72, प्लस 15, फिर माइनस 16 डिवाइड बाय 4, तो यहां पे 4 आ जाएगा। 72 में 15 जोड़ेंगे कितना आएगा, 5 2 7, 7 और 1 8, माइनस 4 करेंगे तो 83 आंसर आ जाएगा। 83 कहां पे, ऑप्शन बी में, राइट। बहुत से बच्चे यहां पे पूछते हैं, सर हम बॉड मास तो यहां पे फॉलो करते हैं, यानी बी बॉड मास यहां पे फॉलो करते हैं, बट क्या हम इनटू और डिवाइड में आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि प्लस में तो सभी को पता है कि हम पहले प्लस बाद में माइनस कर सकते हैं, फिर बाद में प्लस पहले माइनस कर सकते हैं, बट इनटू और डिवाइड में ऐसा कब पॉसिबल है, जब ये एक साथ ना हो, राइट। अब दोबारा ये आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे क्योंकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो अगर ये दूर दूर हो तो आप इनको भी एक साथ कर सकते हैं, राइट। तो आई होप गाइज ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन भी आपने मैच कर लिया यहां पे। तो अगर आपको ऐसे और भी वीडियोस देखने हैं
या आप एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है अप्रैल से, और हम आपको 2023 के बैच के लिए यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। अप्रैल में कोर्स शुरू हो जाएगा, और अगर आपको अभी से अपनी सीट बुक करनी है तो आप हमारे कोर्स को रजिस्टर कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, ऐप में जाना पड़ेगा। कौन सी ऐप में? टारगेट लर्निंग 5 वाली ऐप में जाना पड़ेगा। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से टारगेट लर्निंग 5 ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर आप इस कोर्स को परचेस भी कर सकते हैं। तो गाइस, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।